दोस्तों इस वीडियो में दो शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके अंदर जितनी गिरावट होती है इतना आप इसके अंदर अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं, साथ ही साथ इनके जो लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश यहां से निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ कंपनी के अंदर वॉल्यूम बेस्ड काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है और जिस सेक्टर्स को ये कंपनी बिलोंग करती है उस सेक्टर में आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलने वाले हैं। तो पहली कंपनी का नाम तो आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, स्टील सेक्टर की इस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अंदर आपको 4.25% तक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन सिर्फ जिंदल स्टील में ही नहीं बल्कि पूरे स्टील सेक्टर में आज हमें गिरावट देखने को मिली, चाहे हिंडाल्को की बात कर लें या फिर JSPL की बात कर लें। जिंदल स्टील पिछले एक महीने के अंदर लगभग 3% तक के नेगेटिव रिटर्न्स बनाकर दे चुका है, तब भी आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने पिछले एक साल के अंदर काफ़ी शानदार रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिए हैं। साथ ही साथ जिंदल स्टील को लेकर जो अपडेट न्यूज़ यहां पर निकल कर आ रही है वो भी इसके फेवर में हमें देखने को मिल रही है, जिसके बाद जिंदल स्टील के जो टारगेट हैं वो शॉर्ट टर्म में आपको 500 रुपीज़ तक देखने को मिल सकते हैं। अगर जिंदल स्टील के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को भी हम यहां से एनालिसिस करें तो 2009 में यानी कि 2009 में कंपनी ने 744 रुपये का अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद से शेयर्स कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन पिछले एक साल का अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो कंपनी ने वापस बाउंस बैक किया और काफ़ी शानदार रिटर्न्स यहां पर बनाकर दिखाए हैं। JSPL अनाउंसेस ओवर ₹1,00,000 करोड़ इन्वेस्टिंग इन ओडिशा इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं क्या आने वाले 10 सालों में ओडिशा में JSPL लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली इससे कंपनी को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। अगली अपडेट्स को कवर करें तो जिंदल स्टील एंड पावर एजेस हायर आफ्टर आउटपुट राइजेस 20% इन जून क्वार्टर। JSPL आउटपुट जंप्स 20% इन जून क्वार्टर, यानी कि ओवरऑल अगर आप मैं आपको यहां पर शॉर्ट में बताऊं तो JSPL के जो क्वार्टर वन के नंबर से वो काफ़ी शानदार आने की उम्मीदें है। तो यदि आप JSPL के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसके अंदर डीप रेंज में भी खरीदारी कर सकते हैं, यानी कि जितना शेयर्स डिक्लाइन हो वहां से आप अपनी पोजीशंस को बढ़ा सकते हैं। अगर JSPL के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 39,428 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। साथ ही साथ अगर JSPL के मोमेंटम की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि शेयर्स पिछले एक महीने से यहां पर इस शेयर के अंदर गिरावट जारी है, जिस कारण से इसके जो मोमेंटम है वो मिड रेंज के अंदर ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों शेयर्स को मैंने आपके लिए इसीलिए पिक किया है क्योंकि इनका शेयर होल्डिंग्स पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ इनके जो नंबर्स हैं वो भी काफ़ी शानदार हैं। तो अगर JSPL के सबसे पहले शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की तरफ नज़र मारें तो म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को यहाँ पर इंक्रीज करा है, साथ ही साथ प्रमोटर्स का स्टेक हमें एज इट इज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के स्टेक की बात करें तो वो भी यहाँ पर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं JSPL के शॉर्ट टर्म के क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं उनके बारे में। तो JSPL के जो तीन रेजिस्टेंस है 407 रुपये, 414 रुपये और 425 रुपये का आपको यहाँ से लेकर चलना है। साथ ही साथ सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 388 रुपये, दूसरा सपोर्ट 377 रुपये और तीसरा सपोर्ट 370 रुपये का आपको लेकर चलना है। JSPL के अगर वॉल्यूम बेस्ड काम भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बेस्ड काम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसी के अगेंस्ट डिलीवरेबल बेस्ड काम भी हमें यहाँ पर लगभग 30% के एवरेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कम्युनिटी सेंटीमेंट्स भी पूरी तरीके से फेवर में हमें यहाँ पर JSPL के लिए देखने को मिल रही है। बात करें JSPL के रेवेन्यू यानी कि फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप यहां पर रेवेन्यू भी देख सकते हैं कंपनी का, ऑल टाइम रेवेन्यू यहां पर कंपनी का इंक्रीज ही हो रहा है। और अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी शानदार यहां पर हमें फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर देखने को मिल चुका है, यानी कि 2020 में कंपनी लॉस में थी, साथ ही साथ पिछले 4 सालों से कंपनी लॉस में ही चल रही थी, और आप देख सकते हैं पिछले एक साल के अंदर कंपनी ने अपने लॉस को तो रिकवर किया ही है, साथ ही साथ में 4,500 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट भी जनरेट किया है।
चलिए चलते हैं हमारे अगले शेयर्स की तरफ, जो कि बैंकिंग सेक्टर का एक शेयर है जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। जी हाँ दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर भी यहाँ पर अभी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी आपको IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर 1.5% की गिरावट दर्ज करी गई है। और अगर इसके भी पिछले आप एक महीने के रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे तो IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर भी पिछले एक महीने में लगभग 11% तक की गिरावट हो चुकी है। लेकिन अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के पिछले एक साल के रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। साथ ही साथ इसका भी जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जितने भी हम यहाँ पर एक्सपर्ट्स की बात करें वो इस शेयर्स के अंदर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्चेस कस्टमर्स कोविड रिलीफ घर घर राशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक बहुत सारे स्टेप्स उठा रहा है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, साथ ही साथ अपना कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ICICI सिक्योरिटीज ने IDFC फर्स्ट बैंक के जो टारगेट दिए हैं वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। 73 रुपये के टारगेट यहां से निकल कर आ रहे हैं, यानी कि अगर आपने शेयर्स के अंदर पोजीशंस बनाए रखी है तो डेफिनेटली आप यहां पर विद इन 6 मंथ के लिए यहां पर अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 33,020 करोड़ रुपये का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि बैंकिंग सेक्टर के आने वाले टाइम में एक दिग्गज शेयर बनते हुए हमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पिछला एक महीना IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक के भी अगर आप यहां पर मोमेंटम को चेक करेंगे तो इस शेयर्स के भी मोमेंटम अभी मिड रेंज के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में अभी हमें इसके अंदर बियरिश टेक्निकल रेटिंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पर्पज से शेयर्स के अंदर खरीदारी करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर 75 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को तरफ आप नज़र मारेंगे तो म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, यानी कि ओवरऑल यहां पर जो भी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न है वो हमें यहां पर फेवर में ही आते हुए देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर IDFC फर्स्ट बैंक के आप वॉल्यूम बेस्ड काम की तरफ भी नज़र मारेंगे तो डेली बेसिस पर आपको काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। और इसी बीच अगर आप डिलीवरेबल बेस्ड काम की तरफ भी नज़र मारेंगे तो लगभग 35% डिलीवरेबल बेस्ड काम आपको यहाँ पर एवरेज बेसिस पर देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर इस शेयर के अंदर कंटिन्यूसली बेसिस पर उठाई जा रही है। साथ ही साथ कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो यहां पर कम्युनिटी सेंटीमेंट्स भी इस शेयर्स को लेकर फेवर में आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए एट द एंड हम यहां पर बात कर लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के भी नंबर्स के बारे में। तो यहां पर अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर नंबर्स की तरफ नजर मारेंगे तो रेवेन्यू के अंदर आपको यहां पर आप देख सकते हैं पिछले 3 से 4 सालों के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें यहां पर लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी की तरफ से देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का नेट प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2020 में IDFC फर्स्ट बैंक ने 2843 करोड़ रुपए का नेट लॉस यहाँ पर डिक्लेयर किया था, जिसके बाद से यहाँ पर जिस भी शेयर होल्डर्स ने IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो बहुत ज़्यादा पैनिक ले रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने अपने 2843 करोड़ रुपये के नेट लॉस को तो रिकवर किया ही, साथ ही साथ 483 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट भी जनरेट किया, यानी कि कंपनी काफ़ी शानदार रिटर्न्स बनाकर दे रही है। साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आप यहां पर IDFC फर्स्ट बैंक, यानी कि बैंकिंग सेक्टर का एक दिग्गज शेयर और साथ ही साथ स्टील सेक्टर का एक शेयर JSPL को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।